दोस्तों, इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेग्नेंट लेडी फंस जाती है समुद्र के बीचों बीच। इस मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देख पाते हैं जहां पर भगदड़ मची होती है, क्योंकि दोस्तों यहां की सरकार इनको यहां से दूसरी जगह जाने को कहती है। वहीं हम मिया और उसके हस्बैंड नीको को देखते हैं। नीको अपनी वाइफ को लेकर दूसरे देश ले जा रहा होता है, क्योंकि दोस्तों 2 साल पहले इन्होंने अपनी बच्ची को खो दिया था, वो भी इस सरकार की वजह से। दोस्तों ये तय करते हैं कि समुद्र के किनारे से एक कंटेनर में बैठकर इलीगल तरीके से ये इस देश को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कर देंगे। अब वो समय आ जाता है जब इनको कंटेनर में भेजा जाता है। ये देखते हैं कि उस कंटेनर में बहुत ज्यादा लोग होते हैं। ज्यादा लोग होने के कारण कुछ लोगों को उस कंटेनर से निकाल दिया जाता है। उसमें दोस्तों नीको को भी निकाल दिया जाता है। अब नीको और मिया अलग अलग हो जाते हैं। इस समय दोस्तों मिया प्रेगनेंसी के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर होती है। इसको अपने पति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो नीको को फोन करती है तो नीको उसको सहारा देता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दूसरे कंटेनर से दूसरी जगह पर मिल जाऊंगा। अब दोस्तों इसी के चलते वो पुलिस वाले उन सभी कंटेनर को चेक करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये इलीगल है। अब जो जो आदमी पुलिस वालों के हाथ लगते हैं वो उनको मारकर पानी में फेंक देते हैं। यहाँ पर मिया बच जाती है क्योंकि वो कंटेनर के ऊपरी हिस्से में होते हैं। अब यहाँ पर मिया उसको बार बार कॉल करती है। दोस्तों मिया के मन में बस एक ही डर होता है कि कहीं पुलिस वाले ने नीको को तो नहीं मार दिया। अब रात को वो सो जाती है। आधी रात को उसकी आँख खुलती है, वो देख पाती है कि उसका कंटेनर एक तूफान में फंस चुका है। अब कंटेनर में उसको इतने तेज झटके लगते हैं कि वो घिरकर बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देख पाती है कि उसका कंटेनर अब शिप से अलग हो गया है और उसका कंटेनर समुद्र में तैर रहा है। और इसी बीच उसको कुछ लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। फिर तभी वो बाहर देख पाती है कि वो कंटेनर डूब रहा होता है जिसमें नीको को भेजा गया था। और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने से वो कंटेनर डूब जाता है। अब जो मिया के अंदर बची कुची उम्मीद होती है वो भी टूट जाती है। दोस्तों वो इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। वो सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, पर जब उसको अपने होने वाले बच्चे का ख्याल आता है तो वो ऐसा करने से रुक जाती है और सो जाती है। अचानक उसकी नींद खुलती है। वो देखती है कि कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है। दोस्तों उसके कंटेनर में इतना ज्यादा पानी भर जाता है जिस वजह से मिया की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। तभी एकदम मिया की नींद खुलती है। दरअसल दोस्तों ये मिया का एक बहुत खतरनाक सपना होता है, लेकिन अब कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और मिया को किसी अननोन नंबर से कॉल आता है जो नीको का होता है। नीको की आवाज सुनकर मिया को थोड़ा अच्छा लगता है। अब नीको भी मिया को हिम्मत रखने को कहता है और इसी बीच मिया के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ रहा है और इन्हीं कठिन स्थितियों में वो एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम वो नोवा रखती है। और फिर वो नोवा को लकड़ी के बॉक्स में रख देती है और तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसे कंटेनर के ऊपर जाना चाहिए जिससे उसकी जान बच सकती है। फिर वो कंटेनर के ऊपरी हिस्से को काटती है और ऊपर जाती है जहाँ पर वो देख पाती है कि वो समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच होती है। और तभी उसको ऊपर एक एरोप्लेन दिखता है जिसे रोकने के लिए वो इशारे करती है, आगे बढ़ती है। दोस्तों ऐसा करने पर उसके पैर पर गहरी चोट लग जाती है। वो उस पर वाइन डालती है और धागे से सीलती है, पर ऐसा करने से उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती। अब दोस्तों इसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है क्योंकि ऐसे विशाल समुद्र में खाने को कुछ भी नहीं होता। फिर वो दिमाग लगाती है और एक जाल बनाती है, उसमें मछलियों को पकड़ती है और अपना पेट भरती है। इसी बीच मिया को अपने पति नीको का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि उसको गोली लग गई है, अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर मिया पूरी तरह से हताश हो जाती है। अब मिया की जितनी भी उम्मीद होती है वो भी टूट जाती है। मिया उसको बताती है कि अपनी एक बेटी हुई है और मिया उसको नोवा की आवाज भी सुनाती है, पर तभी नीको का फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस बात से मिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर कंटेनर के ऊपर जाकर रोते रोते सो जाती है। आज उसको इस विशाल समुद्र में पूरे 32 दिन हो चुके होते हैं। कंटेनर में लगातार पानी भरे जा रहा था तो वो एक राफ्ट तैयार कर
करती है। अब इसी बीच उसको वहाँ पर एक पक्षी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि जरूर कहीं आसपास किनारा है, लेकिन वो किनारा कितनी दूर है उसे कुछ नहीं पता। इसी बीच मिया ये देखती है कि कंटेनर के जिन होल को उसने बंद किए थे उन होल में अब पानी भरना शुरू हो जाता है, वो भी बहुत तेजी से। और जब वो उसके अंदर किसी चीज को उठाने जाती है तो तभी उसका पैर नीचे रखे सामानों में फंस जाता है। साथ ही जिस राफ्ट में उसने अपनी बेटी को रखा था वो भी अब उस कंटेनर से बहुत दूर जाने लगता है। अब जब मिया कंटेनर से बाहर आती है तो वो देखती है कि दूर दूर तक कहीं भी उसकी बेटी का राफ्ट नहीं होता। फिर तभी उसकी बेटी की राफ्ट के पास एक व्हेल आती है जो पानी का फुव्वारा ऊपर की तरफ फेंकती है, जिसके छींटे नोवा के ऊपर आते हैं, जिससे वो नींद से जाग जाती है और रोने लगती है। मिया अपनी बेटी नोवा की आवाज सुन लेती है और आ जाती है अपनी बेटी की राफ्ट के पास। उस राफ्ट को पकड़कर वो लटक जाती है। पूरी रात वो इस राफ्ट को पकड़कर लटकी रहती है। अगली सुबह हम उन दोनों को देख पाते हैं जो पूरी तरह से हताश होते हैं। मिया समुद्र में अपने पास पड़ी मछलियों को पानी में डालती है, जिससे ऊपर सीगल्स आते हैं। मिया और भी बहुत सारे मछलियों को समुद्र में डालती है, जिससे ऊपर बहुत सारे सीगल्स मंडराने लगते हैं। वो सोचती है कि क्या पता कोई ना कोई इन मंडराते हुए सीगल्स को देख ले और हमारी जान बचा ले। इसी के चलते मिया के साथ वही होता है जो वो सोचती है। दूर एक मछुआरा होता है जो इन्हें देख लेता है और वो अपनी बोट इनकी राफ्ट तक लाता है, जहाँ पर वो देख पाते हैं कि वहाँ पर बस एक बॉक्स में छोटी बच्ची ही होती है और उसके आसपास और कोई नहीं होता। वो देखते हैं कि उसकी राफ्ट के साथ एक रस्सी भी होती है और जब वो उस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो उस रस्सी के साथ साथ मिया भी ऊपर आ जाती है। वो मिया की बॉडी को बोट पर लाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि उसके शरीर में कोई जान नहीं बची। वो उसको CPR देते हैं। वो बहुत देर तक उसको CPR देते रहते हैं पर फिर भी उसको होश नहीं आता। फिर तभी वो देखते हैं कि उसके शरीर में जान आ जाती है। दरअसल दोस्तों, पानी के अंदर ज्यादा देर रहने की वजह से इसके सांसों के नलियों में पानी भर जाता है, जिससे इसके नलियों में सांसें नहीं आ रही होती। अब पानी बाहर निकलने के बाद वो सही से सांस ले पाती है और होश आ जाने के बाद वो सबसे पहले अपनी बेटी नोवा से मिलती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है। मिया यह देख पाती है कि जिसने उसकी और उसकी बेटी की जान बचाई होती है वो एक कपल है और उनके साथ उनका एक बेटा भी होता है। अब हम ये देख पाते हैं कि वो कपल मिया और उसकी बेटी को एक किनारे तक ले जा रहे होते हैं और ये किनारा आयरलैंड का है, जहाँ पर मिया और उसका पति निको हमेशा से आना चाहते थे। तो ये थी दोस्तों नोवेयर की पूरी कहानी। और भी ऐसी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ इस मूवी का यही अंत हो जाता है। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।